हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार पैकेज लाया हूं और यहां से आप लोग यहां पर देख रहे होंगे क्या लिखा गया है, महत्वपूर्ण तत्व लिखे गए हैं। तो भाई, ये महत्वपूर्ण तत्व कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वो सब एग्जाम में दोस्तों यहां से क्वेश्चन 100% बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी से इंपॉर्टेंट एलिमेंट और दोस्तों इन सबसे कौन कौन से इवेंट बन जाते हैं, इनके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट एलिमेंट और देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट में कौन कौन से पॉइंट हम समझते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दोस्तों हमारी संस्थान में मिस्टर आलोक सर और मिस्टर रवि सर के कुशल निर्देशन में दो बैचेस संचालित हैं। पहला बैच यूपीपीसीएस का। अगर आपको यूपीपीसीएस के बारे में, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप यूपीपीसीएस के लिए दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर 9918000454 या दोस्तों सुपर टेट के लिए 9125423936। जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट और यूपीपीसीएस प्रीकमेंस इन दोनों के एक एक बैचेस जो है ऑलरेडी फुल है और दूसरा बैच भी स्टार्ट है। तो दूसरे बैच में आपको ज्वाइन होना है, जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी दोस्तों लेनी है तो आप एक बार क्वेरी जरूर करें। आइए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं और यहां से आपके लिए कितना फायदा होगा, कितना बेनिफिट मिलेगा आपको इस पॉइंट से। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील प्रबल आक्षिकारक और सर्वाधिक नेगेटिव, दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, तो सबसे अधिक क्रियाशील या प्रबल आक्षिकारक सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। तो भाई है कौन है, यही तो प्रश्न बन रहा है, कौन सा तत्व है तो सबसे नेगेटिव भी है, सबसे प्रबल आक्षिकारक भी है और सबसे क्या है, क्रियाशील है। जी हां दोस्तों, हम पढ़ते हैं ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है दोस्तों, ग्रुप 17 का एलिमेंट है और इस एलिमेंट का नाम क्या है दोस्तों, इस एलिमेंट का नाम है क्लोरीन। इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है क्लोरीन। और क्लोरीन का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर तो दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह कितना है दोस्तों, वह हो जाता है 17। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन है, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। और क्लोरीन प्रबल आक्षिकारक भी है, सबसे नेगेटिव भी है और दोस्तों सबसे क्रियाशील है। ये सारे गुण किसके हैं, क्लोरीन के हैं। ये ग्रुप 17 में है, ब्लॉक पी में है। इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक कितना होता है, यह भी 17 होता है। जी हां, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ध्यान देना, रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है, क्लोरीन। तो रंग उड़ाने वाली गैस भी क्या है, क्लोरीन है। या जल को शुद्ध करने वाली गैस, जल को साफ करने वाली गैस भी क्या है, क्लोरीन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरीन के बारे में लिखने के लिए, तो सारे पॉइंट्स कैसे आप कलेक्ट करोगे, कैसे आप नोट करोगे, तो ध्यान देना ये सारे गुण किसके हैं, क्लोरीन के हैं। ग्रुप 17 में ब्लॉक पी में इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, रंग उड़ाने वाली गैस भी है और यह फूलों का रंग उड़ाती है और जल को शुद्ध करने में भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ध्यान देना, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अगर देखें हम तो इसकी जो वैलेंसी होगी या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2, 8 और क्या होगा, 7 होगा। क्लियर? तो ध्यान दो दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपका क्लोरीन है। आगे बढ़ेंगे, आतिशबाजी में लाल रंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आतिशबाजी में लाल रंग देने वाला
तत्व कौन सा है दोस्तों? तुम आतिशबाजी में लाल रंग कौन सा तत्व देता है? जैसे क्या होता है, जब विस्फोटक जलाते हैं तो विस्फोटक को जलाते वक्त आतिशबाजी में लाल रंग आता है, और लाल रंग के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, हरा रंग भी होता है। तो क्वेश्चन वही है कि आतिशबाजी में लाल रंग कौन उत्पन्न कर रहा है, आतिशबाजी में लाल रंग कौन उत्पन्न कर रहा है? तो ध्यान देना, एक होता है स्ट्रांसियम। क्या होता है? स्ट्रांसियम। तो स्ट्रांसियम ऐसा एलिमेंट है, स्ट्रांसियम ऐसा एलिमेंट है, इस एलिमेंट से क्या होता है, आतिशबाजी यानी पटाखों में क्या होता है, पटाखों में लाल रंग उत्पन्न होता है। किससे दोस्तों? स्ट्रांसियम से। ठीक, ये क्या है, एक प्रकार का तत्व है, इससे आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न होता है। क्लियर। अब देखें आगे, फिर क्वेश्चन बहुत शानदार है कि आतिशबाजी में हरा रंग कैसे उत्पन्न होता है। जी हां दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग कैसे उत्पन्न होता है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, और दोस्तों ये किसका होता है, ये होता है बेरियम का। कैसे होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग कैसे होता है? बेरियम से होता है। और ध्यान देना, बेरियम को ग्रुप टू, किसमें, इसको हमने ग्रुप टू में शामिल किया हुआ है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है ग्रुप टू में है, और ब्लॉक, अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक एस में है। अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 56 होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 56। और बेरियम, बेरियम से क्या होता है, बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका बेरियम, प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से घी या वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त अधातु कौन सा है? दोस्तों पहला ही प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से, चौथा प्रश्न हमारा है कि कृत्रिम रूप से वनस्पति घी या फिर घी बनाने में प्रयुक्त अधातु कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ब्लॉक एस का एलिमेंट है। आप सबको उत्तर इसका मिल चुका होगा, ब्लॉक एस का एलिमेंट है, ग्रुप वन का एलिमेंट है, ब्लॉक एस का एलिमेंट है, ग्रुप वन का एलिमेंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन से ही क्या बनता है, हाइड्रोजन से बनते हैं घी बनाते हैं, कृत्रिम रूप से घी बनता है हाइड्रोजन से। और ध्यान देना, एटॉमिक नंबर क्या इसका है, अगर एटॉमिक नंबर की बात आती है भाई, तो किसको नहीं पता होता है कितना होता है, ये 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये अधातु है लेकिन धातुओं के गुण भी रखती है ये। क्लियर। आगे, चिप्स के पैकेट में, तो भाई चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस कौन सी ऐसी, देखिए इसमें वही गैस भरी जाएगी, इसमें वही गैस भरी जाएगी जो गैस आक्सीकारक नहीं होती, इसमें वही गैस भरेंगे जो गैस आक्सीकारक नहीं होती। और ये गैस क्या करेगी दोस्तों? यह गैस क्या करेगी, यह गैस क्या करेगी कि यह उस चिप्स को आक्सीकृत होने से रोकेगी। जब चिप्स आक्सीकृत नहीं होगा तो चिप्स क्या होगा, चिप्स हमेशा मुलायम रहेगा दोस्तों। इसका मतलब इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? इसमें नाइट्रोजन भरते हैं, और नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। इसका क्रमांक कितना होता है? इसका क्रमांक 7 होता है। इसको ग्रुप या फिर ब्लॉक, अगर ब्लॉक की बात की जाए, इसको हम रखते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है, कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, और इसका ग्रुप कितना है, 15 है। तो नाइट्रोजन गैस को हम भरते हैं चिप्स के पैकेट में, परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? इसका 7 होता है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, इस बात का ध्यान देना। और ये 15वें ग्रुप में है और ब्लॉक पी में शामिल है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि वह आक्सीकृत नहीं होती और चिप्स जल्दी खराब नहीं होता है। आगे, तो भाई सड़े अंडे जैसी गंध कौन सी है, या सड़े अंडे जैसी गंध आने वाली गैस कौन सी है? तो ऐसी कौन सी गैस है जहां से सड़े अंडे की गंध आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया
ये दोनों ऐसी गैसें हैं जहां से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, क्लियर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया ये दोनों ऐसे गैसें हैं जो सड़े अंडे की गंध को उत्पन्न करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, जहां अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनते हैं, उर्वरक बनते हैं, वहीं अमोनिया जो शौचालय में गंध होती है वह भी अमोनिया का कारण ही होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। सिगरेट के लाइटर में, भाई सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त कौन सी गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न की बात करें तो आपको यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस भरते हैं। तो ध्यान देना, यहां होती है ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन। तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस भरते हैं, और ब्यूटेन गैस से एक चीज और बनती है जिसको हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी पॉइंट आपके सभी के सामने आएगा, इसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है सिगरेट के लाइटर में। आप लोग फटाफट कमेंट करें कि अगर क्वेश्चन यहां से बन जाए कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस निकलती है, सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस निकलती है, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे। लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया है कि सिगरेट के धुएं से निकलने वाली गैस कौन सी। तो भाई चाहे सिगरेट का धुआं हो या सिगरेट के धुएं के साथ साथ मोटर गाड़ियों के तिक्का धुआं हो, इन सभी धुओं से कौन सी गैस निकलती है, इन सभी से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं दम घोटू गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। तो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और यह हमारे ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक अभिक्रियाशील होती है, और जैसे ही यह हमारे अंदर पहुंचती है हीमोग्लोबिन से क्रिया करके HBCO यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो व्यक्ति दम घुटने से मर जाता है, इसको हम कहते हैं दम घोटू गैस। तो सिगरेट के धुएं से, मोटर गाड़ियों के धुएं से यही गैस निकलती है दोस्तों। आगे रहेगा, यहां रहेगा कि मोटर गाड़ियों के धुएं से, ठीक, मोटर गाड़ियों के धुएं से या पेट्रोल के जलने से, या हम कह सकते हैं कि पेट्रोल के धुएं से, पेट्रोल के जलने से कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान देना, पेट्रोल के जलने से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है ना दोस्तों। ये दोनों गैसें निकलती हैं पेट्रोल के धुएं से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सल्फर डाई ऑक्साइड इसमें सबसे प्रमुख गैस होगी। फिर वही क्वेश्चन कि मोटर गाड़ियों के धुओं से कौन सी गैस निकलती है, तो मोटर गाड़ियों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है, वही प्रश्न दोस्तों यहां। तो ध्यान देना, जो धुआं होता है इस धुओं में कौन सी गैस होती है, धुआं में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड होता है, ठीक। गुब्बारे वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो गुब्बारे में और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरेंगे, फटाफट आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि गुब्बारे और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे हल्की गैस कौन सी होगी, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो वो तो होती है हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन भरते हैं? जी नहीं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है। क्या होती है? ज्वलनशील होती है। तो इसलिए वायुयान के टायरों और गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस नहीं भरते, बल्कि क्या भरते हैं, बल्कि भरते हैं उसमें हीलियम। तो हीलियम उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो हीलियम गैस भरते हैं। धातुओं को काटने, धातुओं को काटने और जोड़ने में, धातुओं को काटने और जोड़ने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस, इसका मतलब यह है वेल्डिंग में पूछ रहा है क्वेश्चन कि वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। धातुओं को काटने और जोड़ने में, भाई हम सुनते हैं कि गैस वेल्डिंग होती है, तो गैस वेल्डिंग तो होती है, तो गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस होती है, फटाफट आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए।
कि गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, एसिटिलीन। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। और इसके पहले एसिटिलीन गैस से हम फल को पकाते थे, एसिटिलीन गैस से फलों को भी पकाते थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, ये बैन हो गया है। तो धातुओं को काटने और जोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों, इसमें जो गैस होती है कौन सी होती है, क्या एथिलीन होती है या फिर एसिटिलीन होती है, एसिटिलीन, एथिलीन, और एक होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2+H2O, CaC2+H2O, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड अगर फलों को पकाना होता है तो इन सब का प्रयोग करते हैं, तो फलों को पकाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो राइट आंसर होता है वो एथिलीन होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अब भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले निकलने वाली गैस कौन सी है, दोस्तों होता यह है कि एक गैस होती है, जैसे हम पढ़ते हैं अक्रिय गैसों के बारे में, तो अक्रिय गैस से क्या क्या होती है, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब होती है। कुल 6 अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसों को दोस्तों, अक्रिय गैस में एक गैस है रेडॉन। क्या है, एक गैस है रेडॉन, ठीक। तो रेडॉन आता है ग्रुप नंबर 18 में। कहां आता है, ग्रुप 18 में आता है ये रेडॉन, आता है ग्रुप 18 में। और दोस्तों इस बात का ध्यान देना, जो रेडॉन है इसका क्रमांक कितना होता है, 86 होता है, तो ग्रुप 18 में आता है। और जो इसका ब्लॉक है वो पी है, ग्रुप 18 ब्लॉक पी में आता है। और अगर इसका परमाणु क्रमांक हम देखें, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है। रेडॉन एक ऐसी गैस है जो सबसे भारी गैस है। ये क्या है, ये सबसे भारी गैस है, और ये गैस इतनी भारी होती है कि हमारे वायुमंडल में होती ही नहीं है, इतनी भारी होती है कि वायुमंडल में नहीं होती। तो रेडॉन सबसे भारी गैस है, और इतनी भारी गैस है कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे भूकंप आने वाला होता है, भूकंप आने के जस्ट पहले इस गैस का सांद्रण बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि भूकंप आने के पहले यह गैस बढ़ जाती है। इसका मतलब भूकंप के लिए यह गैस हमको इंडिकेट करती है, है ना। भूकंप आने के पहले मालूम पड़ जाता है कि यार ये गैस आ चुकी, इसका मतलब भूकंप आने वाला है। कोयले की खान में आग लगने का कारण, तो भाई देखिए कोयले की खान में लोग काम करते हैं, ठीक है ना, और कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों को लंग्स डिजीज होता है, फुफ्फुस धूलिमैता, या इसको हम कहते हैं लंग्स सिरोसिस, फेफड़े में कैंसर होता है। तो वहां कौन सी गैस निकलती है जिससे फेफड़ों में कैंसर होता है, ध्यान देना, अगर कोयले की खान में जरा सी भी आग कहीं भी मिल गई तो तुरंत वो ब्लास्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि कोयले की खान में एक गैस होती है जिसका नाम है CH4, और इसको हम कहते हैं मेथेन। तो कौन सी गैस होती है भाई, मेथेन गैस होती है। और जैसे मेथेन गैस आग के संपर्क में आती तुरंत जल जाती है, इसीलिए कोयले की खान में शीघ्र ही आग लग जाती है, और वह कारण क्या है, मेथेन गैस। भाई शौचालय से निकलने वाली गैस कौन सी है, यानी शौचालय में जो गंध होता है, तो शौचालय में जो गंध होती है वह गंध किस गैस की होती है, ध्यान देना, प्रश्न यही बन रहा है, जो शौचालय में गंध होती है वो कौन सी गैस की होती है, तो ध्यान देना, अभी इसके पहले हम लोग इसको पढ़े थे NH3, जिसको हम कहते हैं अमोनिया। दोस्तों अमोनिया जो है मूत्र में गंध आती है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कि शौचालय में गंध कैसे आती है, तो अमोनिया से आती है। अब है अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर, तो अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर तथा गोताखोरों के सिलेंडर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सी है। भाई हम लोग क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन लगाते हैं, तो ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन गैस होती है या कोई और गैस होती है, यही तो आपको उत्तर देना है।
कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में गोताखोर या अस्पताल में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, ये तो क्लियर है भाई, ये तो क्लियर है कि ऑक्सीजन तो होती ही होती है, तो ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सी गैस होती है, इसके साथ साथ और कौन सी गैस होती है, इस बात का दोस्तों ध्यान देना। तो कौन सी गैस होती है, तो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो सीरीज चल रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, ये सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक है, ध्यान देना। ये ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जो निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्लियर। आप देखें आगे, सबसे भारी गैस कौन सी है, तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो सबसे भारी गैस रेडान होती है। अभी हमने रेडान के बारे में इसके पहले आपसे चर्चा की थी, तो सबसे भारी गैस कौन सी होती है, रेडान गैस सबसे भारी गैस होती है, और इतनी भारी गैस होती है कि मिट्टी के अंदर रहती है, बाहर ये रहती ही नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर बताया गया था आपको 86, ब्लॉक पी में रहती है, ब्लॉक किस में, ब्लॉक पी में रहती है, ठीक है ना, और जो इसका ग्रुप है ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 में रहती है, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे है मानव हीमोग्लोबिन में, मानव हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व कौन सा है, यानी हमारी हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो ये होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिससे रक्त हमारा कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है हीमस, एक क्या होगा हीमस, और एक होता है ग्लोबिन। तो हीमस और ग्लोबिन दो चीजें इसमें होती हैं। अगर हम हीमस की बात करें दोस्तों, हीमस में क्या होता है एफी, और ग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है एक प्रकार की प्रोटीन है। अगर बात करें फेरस की तो ये होता है लगभग 4 से 5%, अगर बात करें हम ग्लोबिन प्रोटीन की तो ये 95 से 96%, 95 से 96%। और जब इस लोहे से मिलता है ऑक्सीजन तो बनता है फेरस ऑक्साइड FeO2, और फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, रक्त में हल्का धूसर रंग होता है। तो ध्यान देना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। अगर दोस्तों हम लोहा की बात करें, अगर हम लोहा की बात करें, आयरन की बात करें, तो ध्यान देना आप लोग, ये हमारे पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित क्या है, तत्व है। इसको क्या किया गया है, इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 26 है, और फ्रेंड्स जो इसका ग्रुप है, ठीक, जो इसका ग्रुप है, इसको ग्रुप नंबर 8 में रखा गया है, और ब्लॉक डी में, तो ग्रुप 8 है और ब्लॉक इसका क्या है, इसका ब्लॉक डी है, इसको ब्लॉक डी में रखा गया है। ध्यान देना संपूर्ण पृथ्वी में कितना परसेंट होता है, लगभग 35% पाया जाता है, पूरी पृथ्वी में लगभग 35% मात्रा किसकी है, वो लोहे की एफी की होती है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, पौधों के क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन सा है दोस्तों, तो पौधों के क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है, यह भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से क्या होता है, मैग्नीशियम, है ना, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से होता है मैग्नीशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। और मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम कहां होता है, ये पौधों के क्लोरोफिल में होता है। अगर हम बात करें इसके परमाणु क्रमांक की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसको हमने शामिल किया है ग्रुप 2 में, इसको हमने शामिल किया है ग्रुप 2 में। और ध्यान देना भाई, जो ब्लॉक इसका है दोस्तों, ब्लॉक क्या है इसका, इसका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है एस, तो इसको हमने एस ब्लॉक में शामिल किया है मैग्नीशियम को। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पौधों के क्लोरोफिल में क्या होती है, मैग्नीशियम होती है। जल को दूषित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो जल को दूषित करने वाले कारक क्या हैं, यही तो आपको उत्तर देना है। अगर हम जल को दूषित करने वाले कारकों की बात करें तो पहला क्या होता है, आर्सेनिक, इसको हम कहते हैं संखिया, ठीक, इसको हम कहते हैं संखिया। कानपुर तरफ दोस्तों, कानपुर पश्चिम बंगाल साइड संखिया की मात्रा ज्यादा होती है। फिर क्या होता है, पारा, पारा भी जल को दूषित करता है। और पारे के बाद जो जल को दूषित करने वाले प्रमुख कारक हैं
वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसके बाद देखिए सीसा भी होता है जो जल को दूषित करने का कार्य करता है। तो पारा, आर्सेनिक, सीसा, ये सब क्या होते हैं? ये जल को दूषित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज और होता है, जैसे फ्लोराइड, ये सब ऐसे तत्व हैं जो जल को दूषित करते हैं और इनसे बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती हैं, ठीक है ना। देखिए आगे, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दोस्तों यह भी है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक ग्रुप फर्स्ट ब्लॉक एस परमाणु क्रमांक 11, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 11, यह एक धातु है जिसको हम कहते हैं सोडियम। सोडियम धातु कैसी होती? सफेद होती है, मुलायम होती है। यह सफेद मुलायम होती है, पानी पर तैरती है और इसको हम चाकू से काट सकते हैं। यह इतनी मुलायम होती है, प्रश्न पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में, वह कौन सी धातु है जो अत्यंत मुलायम होती है और उसको चाकू से काट सकते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? सोडियम धातु, अत्यंत ज्वलनशील। ये ऐसी धातु है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करते तुरंत जलने लगती है दोस्तों, यही है आपकी सोडियम। आगे है, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान देना, ब्लॉक डी में एक धातु आती है जिसको हमने शामिल किया है ग्रुप 10 में। ब्लॉक डी और ग्रुप 10 में आती है, इसका परमाणु क्रमांक 46, ठीक दोस्तों। क्या है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 46। अब आपको आसानी से पता हो चुका होगा कि कौन सी धातु की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, वो क्या होती है? पैलेडियम होती है। क्या होती है? पैलेडियम। पैलेडियम ऐसी धातु है जिसका प्रयोग कहां होता है? जिसका प्रयोग वायुयान के निर्माण में होता है। तो पीसीएस की परीक्षा के लिए यह शानदार प्रमोशन जो आपको दिलाएगा निश्चित सफलता, और दोस्तों निश्चित सफलता के लिए आपको हमारे बैचेस मिल सकते हैं। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो एंट्री यूपी पीसीएस लिख करके व्हाट्सएप करेंगे 9918000454 पर, या हमारे सुपर टेट की बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 9125423936 पर आप आसानी से व्हाट्सएप करके इनरोल हो सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आगे, ये हो गया पॉइंट्स, आगे बढ़ेंगे। रणनीतिक धातुगण, क्वेश्चन है कि ऐसी कौन धातु है जिसको हम रणनीतिक धातु कहते हैं? तो दोस्तों रणनीतिक धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम पॉलिटिकल मेटल कहते हैं? तो ध्यान देना, ये धातु होती है टाइटेनियम। तो दोस्तों टाइटेनियम ऐसी धातु है जिसको हम रणनीतिक धातु कहते हैं। आप लोग फटाफट आंसर देंगे, टाइटेनियम किस ग्रुप में आती है और टाइटेनियम किस ब्लॉक में आती है? आप सभी लोग ये उत्तर देंगे कि टाइटेनियम किस ग्रुप में आती है या किस ब्लॉक में शामिल इसको किया गया है, फटाफट दोस्तों। क्लियर? तो ध्यान देना, नहीं अभी तक उत्तर आप लोगों का आया तो ध्यान देना, इसको हमने ग्रुप फाइव में शामिल किया है, ठीक है। और इसका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या है? इसको ग्रुप फाइव में और ब्लॉक डी में शामिल किया गया है। अगर दोस्तों बात करें इसके परमाणु क्रमांक की तो इसको हम टीए कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इसका सिंबल क्या है? टीए है। और इसका क्रमांक कितना होता है? 73 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 73 है, ग्रुप पांच में शामिल है और ब्लॉक क्या है इसका? डी है दोस्तों। टाइटेनियम को हम पॉलिटिकल मेटल भी कहते हैं। आगे, दम घोटू गैस कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान देना, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ गैस को हम दम घोटू गैस कहते हैं। जी हां दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम घोटू गैस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पहले भी मैं आपसे यह चर्चा कर चुका हूं कि दम घोटू गैस इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहुंच जाने से दम घुटता है।
शानदार प्रश्न है कि गला घोटू गैस किसको कहते हैं। भाई गला घोटू गैस कौन सी है? देखिए दोस्तों, एक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम कहते हैं गला घोटू गैस। जिस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक है और उससे जो है दम घुटता है, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, यह गैस गला घोटू गैस कही जाती है। फिर प्रश्न क्या है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है और जिसके प्रभाव से वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। दरअसल ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं, यह गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ाती हैं, जिससे गर्मी बढ़ जाती है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि वह गैस कौन सी है, तो ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यह ऐसी गैसें होती हैं जिनको हम प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्लियर? तो दोस्तों यही है ग्रीन हाउस गैस। अगला पॉइंट, ओजोन परत में छेद करने वाली गैस कौन? देखिए, हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में एक गैसों का आवरण है जिसको हम कहते हैं ओजोन। दोस्तों ओजोन गैसों का आवरण है, लेकिन इस ओजोन गैस में एक ऐसी गैस है जो छिद्र कर रही है, उसमें ह्रास कर रही है, तो वह गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है दोस्तों जो ओजोन लेयर में क्या कर रही है, छिद्र कर रही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ता है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। आगे फिर प्रश्न वही रिपीट है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस कौन सी दोस्तों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्तर वही होगा। क्लियर? आगे, पॉलीथीन का निर्माण करने वाली गैस कौन सी? तो पॉलीथीन, दोस्तों पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन बहुलक होता है। पॉलीथीन क्या है? यह बहुलक है। और इसका एकलक क्या होता है? इसका मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर होता है एथिलीन। क्या होता है? इसका मोनोमर होता है एथिलीन। यानी पॉलीथीन कैसे बनती है? एथिलीन से बनती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे है, आवारा गैस कौन सी है? तो एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि आवारा गैस कौन सी है, तो ध्यान देना, ग्रुप नंबर 18 ब्लॉक पी में एक ऐसा तत्व है जिसका नाम क्या है, आर्गन। दोस्तों आर्गन का अगर क्रमांक की बात की जाए, इसका क्रमांक कितना होता है, 18। तो आर्गन ऐसी गैस है, इसको हम कहते हैं आवारा गैस, या इसको हम कहते हैं आवारा तत्व, यह आर्गन ही होता है। क्लियर? आगे देखिए, और इसको स्ट्रेंजर भी कहते हैं। दोस्तों फिर वही प्रश्न आ गया है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो आर्गन को ही हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यह ऐसी गैस है जो किसी से भी मिलकर के समूह बनाती है, किसी से मिलकर के कंपाउंड बना सकती है। ठीक, अब आगे देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं? दोस्तों वही प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में हम क्या भरते हैं, आर्गन भरते हैं, या फिर क्या भरते हैं, आर्गन के साथ साथ नाइट्रोजन भी भरते हैं। क्लियर? तो ये हो गया लाल बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है। अगर बात करते हैं हम सीएफएल की, किसकी, सीएफएल की, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की, इसमें हम आर्गन भरते हैं और आर्गन के साथ साथ नियान और पारा भरते हैं। इसमें आर्गन, पारे की वाष्प और इसके साथ साथ क्या भरते हैं भाई, नियान गैस भरते हैं। क्या भरते हैं? तो नियान भरते हैं। क्लियर? ये बल्ब में गैसें भरते हैं। फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो फ्रिज में प्रयुक्त होती है गैस फ्रियॉन, और फ्रियॉन जो गैस है एक प्रकार की क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी होती है, एक प्रकार की सीएफसी होती है फ्रियॉन,
और इस फ्लेवन को कहां भरते हैं? फ्रिज में। लेकिन ध्यान देना, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं वहां पर ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर में ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि बर्फ जमाने वाली या ठंडा करने वाली गैस कौन सी दोस्तों? तो वही कस क्वेश्चन आ गया, ये होती है NH3 यानी कि अमोनिया। ये बर्फ जमाने वाली या ठंडा करने वाली गैस है, इसका नाम क्या है? अमोनिया गैस। ठीक, आगे फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? जी हां दोस्तों, ऐसी कौन सी गैस जिसको फुटबॉल में भरते हैं? ऐसी कौन सी गैस जिसको फुटबॉल में भरते हैं? तो फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो ध्यान देना, फुटबॉल में हम भरते हैं हाइड्रोजन को, इसमें हीलियम नहीं भरेंगे। फुटबॉल अगर किक करेंगे तो उड़ जाएगा, है ना, अपने आप फुटबॉल उड़ेगा अगर हीलियम भरेंगे तो। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान देना, हाइड्रोजन। आगे आगे है, ऐसी कौन सी गैस है जिसका प्रयोग उर्वरक बनाने में करते हैं? तो उर्वरक बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा तत्व है, इस तत्व का प्रयोग कहां करते हैं? फर्टिलाइजर में क्या करते हैं, और यूरिया में कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। ठीक, देखिए आगे। अब दोस्तों आगे है अगला पॉइंट, तो युद्ध के दौरान जहरीले बादल बनाने वाली गैस कौन सी है? तो युद्ध के दौरान जहरीले बादल बनाने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों ध्यान देना, वो फॉस्जिन गैस होती है। फॉस्जिन गैस ऐसी गैस है जो जहरीले बादल बनाती है, जिससे दुश्मनों को आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, कि फिल्मों की शूटिंग में बादल बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? भाई देखिए, जब शूटिंग होती है तो क्या होता है, बादल बनते हैं खूब सफेद सफेद, और हीरो हीरोइन उसी बादल में उड़ते रहते हैं, तो वो बादल कैसे बनता है? वही तो यहां प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान देना, वहां होता है तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करके बादलों का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों एक चीज और, आपने पढ़ा होगा सिल्वर आयोडाइड का नाम, AgI से भी क्या बनते हैं? कृत्रिम बादल बनते हैं। और जो AgI से कृत्रिम बादल बनते हैं, उससे क्या होती है? उससे वर्षा होती है। ठीक है ना, कृत्रिम बादल बनते हैं, उससे क्या होती है? सीधे वर्षा होती है। सिल्वर आयोडाइड, AgI। तो दोस्तों ये प्रश्नों की शानदार सीरीज आप सबके लिए समर्पित है, और ध्यान देना, जिस तरह से सीरीज कराई जाती है, इससे अच्छी यहां पढ़ाई होती है। तो आप सभी लोग एक बार पुनः मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको PCS की बैचेस ज्वाइन करना है, तो आपको 9918000454 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। और यदि आपको सुपर टेट की बैच ज्वाइन करनी है, तो 9125429336 आपको इस पर व्हाट्सएप करना होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।